जय सियाराम। बहुत स्वागत है आपका रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 93 पेंटिंग हो चुकी है और 94 पेंटिंग मैंने बनाई है और इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जब लक्ष्मण की परिक्रमा करके या लक्ष्मण जी को प्रणाम करके मेघनाथ के सारे अस्त्र वापस मेघनाथ के पास जाने लग गए, तब मेघनाथ को लगता है कि अरे यार ये तो वास्तव में भगवान ही है, हम तो इनको ऐसा समझ रहे थे, इंसान समझ रहे, पर इस तरह से अस्त्र प्रणाम करके या बिना हानि पहुंचाए कैसे आ सकते हैं, जो कि सबसे घातक अस्त्र शस्त्र थे उनके। तो तब उसको उनको ज्ञान होता है कि ये भगवान है। तब युद्ध भूमि से तुरंत रावण के पास जाता है मेघनाथ और वो चाहता था कि भाई अपने पिता को सूचित कर दूँ ये इंसान नहीं है, भगवान है, और अगर पापा कहें या पिताजी कहें तो सीता माँ को लौटा भी दें, उनको अगर थोड़ी बुद्धि थोड़ा सा अगर ये बात मैं उनके साथ शेयर करूँगा तो ज़रूर एक अच्छा निर्णय करेंगे। तो ये बताने के लिए रावण के पास जाता है मेघनाथ, पर रावण और उनको तिरस्कारपूर्ण बात कहता है कि अगर तुझे डर लग रहा है तो तू आ जा, तेरे को अगर अपना फर्ज नहीं निभाना हो तो, अगर भगवान भी है तो क्या हुआ, युद्ध में गए हैं तो फिर पीछे थोड़ी हट सकते हैं। ये चीज़ रावण मेघनाथ को बोलता है, यही मैंने दिखाया है। तो ये युद्ध भूमि से मेघनाथ रावण को सूचना देने के लिए पहुंचता है, तो यही सीन मैंने बनाया है। तो रावण जब बोलता है कि भाई तुझे डर लग रहा है तो इधर ही रुक जा, मैं चला जाऊंगा, तो मेघनाथ बोलता है कि पिताश्री मैं तो किसी भी कीमत पे युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, अगर भगवान भी होगा मैं ऐसा लड़ूंगा कि भाई दुनिया याद रखेगी। तो मेघनाथ वास्तव में बहुत बड़ा वीर था और उसने पिता की आज्ञा से और पिता की भक्ति के कारण अपना कर्तव्य के लिए मौत से भी पीछे नहीं हटा। अगर सामने मौत भी आ जाए तो पीछे नहीं हटूंगा, ये रावण को वचन देता है और रावण आशीर्वाद देता है। तो दोस्तों इसमें जिसकी कुमति सर्प है या जिसने ठान लिया है कि भाई मेरे को कुछ किसी भी कीमत पर युद्ध लड़ना है, जो जिद पर आ गया, ईगो पे आ गया, आज भी हम समाज में देखते हैं कि ईगो के कारण कई लोग अपना खानदान का नाश कर देते हैं, अपना नाश कर देते हैं, अपने घर गृहस्थी का नाश कर देते हैं। यही रावण ने किया कि पूरा उसके दिमाग में ये था कि भाई नहीं, मैं किसी भी कीमत पे जीतूंगा ही और नहीं तो फिर मैं लड़के मरूंगा। तो मेघनाथ के समझाने से भी नहीं समझा है। और तो दोस्तों ये पेंटिंग मेरी कैसी लग रही है आपको, ज़रूर अपने कमेंट्स कीजिए, सुझाव कीजिए। और अगर आपको कोई पेंटिंग बनानी हो जो कि पूरी कस्टमाइज चाहते हैं, आपके हिसाब से चाहते हैं, सब्जेक्ट आपके हिसाब से हर चीज़ बनी जाए या आपके साइज के हिसाब से, तो मैं बनाता हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9310032431। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली पेंटिंग के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म।